Good morning to all the students of class 6. Here today we are starting with a new lesson, Amazing Pets. This lesson is about how to keep animals as pet. So now we are going to read the lesson. So listen to me and read it at home. It was a pleasant day. Yeh ek anandayak din tha. I had just finished all my work and was waiting for Divyam. मैंने अभी अभी अपने सारे काम खत्म किए थे और मैं दिव्यम का इंतज़ार कर रही थी. इट हैड बीन सो लॉन्ग, काफ़ी लंबा समय हो गया था. आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वॉज फ्री टू वेट फॉर हिम वॉज 6 months बैक. मुझे याद आता है कि तकरीबन 6 महीने पहले मुझे उसके लिए ऐसा खाली वक्त मिला था. व्हेन माई मदर वॉज हेयर, जब मेरी माँ यहाँ थी तब 6 महीने पहले ये मौका मिला था जब मैं खाली वक्त में दिव्यम का इंतजार कर सकती थी. दिस रिगमारोल ऑफ हाउस होल्ड कोर्स नेवर लेफ्ट मी एनी टाइम टू स्पेंड विथ हिम. घर के कामों की रोज़ रोज़ की ये जो गतिविधियाँ थीं, जो घूम फिर कर चली आती थीं, इन गतिविधियों ने उसके लिए समय निकालने को खाली ही नहीं छोड़ा था. टुडे फाइनली आई डिसाइडेड दैट एनफ वॉज एनफ. आज मैंने ये तय कर लिया, अब बहुत हो चुका. I had to spend more time with Divyam to know him better. After all, he was almost a teenager now. अब मैंने तय किया था कि मैं दिव्यम के साथ ज़्यादा वक्त बिताऊंगी ताकि मैं उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकूं, क्योंकि अब वो एक युवा हो रहा था. Lost in my thoughts, अपने विचारों में खोई मैं. I had lost count of time. समय की गिनती याद नहीं रही. Suddenly, I looked at the big grandfather clock hanging over the wall. It was 2:30 PM. अचानक ही मैंने उस बड़ी सी दीवार घड़ी की ओर देखा जो मेरे दादाजी के ज़माने की थी और इसमें 2:30 बज रहे थे. दोपहर बाद के 2:30 बज रहे थे. दिव्यम वॉज लेट बाई एन आवर. दिव्यम तकरीबन 1 घंटा देर हो चुका था. आई हैड जस्ट स्टार्टेड टू वंडर व्हेन आई हर्ड अ लाउड शाउट ऑफ जॉय. इट वॉज दिव्यम. अभी मैं अपने ख्यालों में खोई ही थी कि मुझे एक जोर की आवाज़ आई. ये दिव्यम की थी और ये आवाज़ खुशी से भरी चीख थी. ही वॉज शाउटिंग एट टॉप ऑफ हिज वॉइस. वह पूरे जोर से चिल्ला रहा था, मॉम आई वॉन्ट एन एक्वेरियम फॉर माई सेल्फ. माँ, मुझे अपने लिए एक एक्वेरियम चाहिए. एक्वेरियम एक शीशे का घर जैसा होता है जिसमें पानी के अंदर मछलियाँ रखी जाती हैं और ये सामान्य तौर पर घरों में या आप कई दुकानों में, कई बड़े बड़े स्टोर्स में आप देखते हैं सजावट के लिए चीज़ें लगी होती हैं जिनमें कई रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं. तो ऐसे ही शीशे के का वो घर जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं उसे एक्वेरियम कहा जाता है. कैन वी बाय वन? तो उसने कहा, माँ मैं अपने लिए भी एक एक्वेरियम चाहता हूँ, क्या हम एक खरीद नहीं सकते? प्लीज़ वी कैन कीप कलरफुल फ्लीस एज पेट्स. कृपया हम अपने घर में इन रंगीन मछलियों को पालतू के रूप में रख सकते हैं. You don't allow me to keep a cat or a dog. आप मुझे कुत्ता और बिल्ली रखने की तो इजाज़त नहीं देती. You say that they dirty the house. आप कहती हैं कि कुत्ते बिल्ली रहें तो घर में इधर उधर गंदगी करेंगे. Fish should not be a problem. मछली तो कोई समस्या नहीं हो सकती. आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मछलियों से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी. Why do you want an aquarium? I questioned. तो मैंने पूछा कि दिव्यम तुम्हें क्यों चाहिए एक aquarium? तुम्हें क्यों चाहिए? He had already anticipated this question. उसने पहले ही से इस सवाल का शायद अंदाज़ा लगा रखा था. Pat came his reply. तुरंत ही उसका जवाब आया. We have an aquarium in school. हमारे विद्यालय में एक एक्वेरियम है, एक मछली घर है. It is so beautiful. ये बहुत ही खूबसूरत है. Fish swim in it. मछली इसमें तैरती है. They don't need looking. उन्हें ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती. मॉम प्लीज़ लेट अस गेट एन एक्वेरियम. इसलिए माँ कृपया हमें भी एक एक्वेरियम दिला दो. नॉट अ बैड आइडिया आई थॉट. मैंने सोचा बुरा विचार नहीं है. दिस विल ब्रिंग सम कलर एंड लाइवलीनेस इन टू द हाउस. मछली घर में कुछ रंग लाएगी, कुछ और जीवंतता लाएगी. द हाउस डेफिनेटली नीड्स इट. और घर को निश्चित रूप से ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है. Besides aquarium, fish keeping has always been a popular hobby and a beautiful fish tank is indeed a magnificent sight. Aquarium के अलावा मछली रखना वैसे भी
लोगों की बहुत पुरानी एक आदत सी रही है, बहुत पसंद करते हैं लोग, और घर में एक ऐसे मछलियों के रखने वाले टंकी का होना बड़ा खूबसूरत नज़ारा बनाता है, बहुत ही खूबसूरत दिखने में भी लगता है। देन आई हर्ड माई सेल्फ से अलाउड, ओके दिव्यम, फिर मैंने सुना मेरे मुख से जोर की आवाज़ आई, ठीक है दिव्यम। नाउ ऑल दैट वॉज लेफ्ट वॉज टू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ फेस वॉज टू बी बॉट। तो अब जो फैसला करना रह गया था वो ये था कि भाई किस तरह की मछलियाँ हम लाएँ, हमें तो खरीदनी होती। वी डिबेटेड फॉर अ वाइल एंड आई फाइनली टोल्ड दिव्यम, तो हमने थोड़ी देर इस पर चर्चा की और मैंने आखिर में दिव्यम से कहा, सिंस दिस इज़ योर आइडिया, क्योंकि ये तुम्हारा विचार है, इट इज़ गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द एक्वेरियम, इसलिए इस मछली घर की देखभाल करना भी अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। आई कुड सी दिव्यम से स्माइल ब्रॉडनिंग, मैं देख सकती थी दिव्यम की हंसी जो थी, उसकी मुस्कान जो थी वो अब ज़्यादा बड़ी हो रही थी, यानी वो ज़्यादा जोर मुस्कुरा रहा था। आई टू वॉज हैप्पी बट कंटिन्यू, मैं भी खुश थी लेकिन मैंने कहना जारी रखा, फिश कीपिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मछलियों को रखना आसान काम नहीं है, यू नीड टू रिसर्च एंड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसके संदर्भ में जांच परख करो और इसके बारे में हर एक बात की जानकारी लो। वी विल बाय ओनली टू फिश नाउ, हम लोग अभी केवल दो मछली खरीदेंगे। इफ़ यू डू अ गुड जॉब, अगर तुमने अच्छा काम किया, वी विल बाय मोर, इज दैट फाइन विथ यू। मैंने उससे कहा कि हम अभी तो केवल दो मछलियाँ खरीदेंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी देखरेख अच्छे से की, तुमने अपना काम अच्छे से किया, तो हम आगे और भी मछलियाँ खरीदेंगे। दिव्यम थॉट फॉर अ वाइल एंड फाइनली सीइंग दैट आई हैड मेड अप माई माइंड ही सेड ओके अग्रीड। तो दिव्यम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने ये देख लिया कि मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ जो मैंने कहा है उस बात के लिए, इसलिए उसने अंततः कहा, ठीक है मैं सहमत हूँ, आई विल रिसर्च एंड गिव यू द नेम्स बाय टुडे इवनिंग, तो मैं अपनी जांच परख करूँगा और आज संध्या तक आपको मछलियों के नाम बता दूँगा। आई गॉट बिजी विथ माई वर्क एंड बाय 4:30 वाज टायर्ड एंड डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट नैप, तो मैं अपने काम में व्यस्त हो गई और तकरीबन शाम के 4:30 बजे तक बुरी तरह से थकी हुई थी और ये निर्णय लिया कि चलिए थोड़ी देर आराम कर लें, एक छोटी सी झपकी ले लें। आई हैड बेयरली स्लेप्ट अ विंक व्हेन आई वॉज वोकन बाय अ लाउड नॉइज, मैंने बमुश्किल ही एक झपकी लगाई थी कि तभी एक जोर की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। दिव्यम वॉज बैक फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी एंड वॉज जंपिंग अप एंड डाउन, दिव्यम स्थानीय लाइब्रेरी से पुस्तकालय से लौट आया था और अब वो खुशी से उछल कूद रहा था। आई कुड सेंस दैट ही वॉज बस्टिंग विथ एक्साइटमेंट, मैं महसूस कर सकती थी कि वो उत्तेजना के मारे बिल्कुल उछल रहा है। आउट विद इट, वॉट इज इट नाउ आई इंक्वायर्ड, मैंने पूछा, अरे भाई क्या बात क्या है, इतना उछल क्यों रहे हो। ही ब्लर्टेड आउट, वह चिल्लाया, आई हैव शॉर्टलिस्टेड 4 मोस्ट ब्यूटीफुल फिश इन द वर्ल्ड, वह खुशी से बोला, मैंने संसार की 4 सबसे खूबसूरत मछलियों की एक सूची बनाई है। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू चूज 2 फ्रॉम देम, इनमें से 2 का चुनाव करना बड़ा मुश्किल था। इनफैक्ट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट देम, वास्तव में उनके बारे में पढ़ना बड़ा ही मनोरंजक था। कैन वी गो एंड गेट देम ऑल नाउ, क्या हम जाकर इन सबको ला सकते हैं। सी आई बॉट कलर प्रिंट आउट फॉर यू, देखिए मैं आपके लिए इनकी रंगीन छाया प्रति भी लाया हूँ। आई मस्ट एडमिट द पिक्चर्स लुक ब्यूटिफुल एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड, मुझे ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि तस्वीरें अच्छी दिख रही थी और मैं उनसे प्रभावित भी थी। दिव्यम्स एंथुसियाज्म टू गेट न्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैड फाइनली स्टार्टेड रबिंग इन ऑन मी टू, दिव्यम का उत्साह अपने परिवार में इन नए सदस्यों को लाने का उत्साह, उसने आखिरकार मुझ पर भी अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। आई सेड, मैंने कहा, वी हैड डिसाइडेड ऑन 2, हम 2 मछलियों पर तैयार हुए थे, नाउ लेट अस सी विच वंस यू हैव चूजन, चलो देखते हैं तुमने किन को पसंद किया है, एंड देन वी कैन शॉर्टलिस्ट 2, फिर हम उनमें से 2 को छांट लेंगे एंड प्लेस एन ऑर्डर टुडे इटसेल्फ, और आज ही उनको लाने के लिए हम दे देंगे।
ओके ओके लेट्स स्टार्ट नाउ दिव्यम से. ठीक है चलिए फिर शुरू करते हैं. नाउ लेट मी सी द फोर हेयर आर फ्लेम एंजल रीगल चैंग कोई एंड मंदारिन. आई सेड मैंने कहा चलिए तो ये चार हैं फ्लेम एंजल है रीगल चैंग है कोई और मंदारिन. बोथ ऑफ अस सेट एंड रीड टुगेदर. तो हम साथ बैठ गए और पढ़ने लगे. आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज हार्ड टू चूज फॉर दिव्यम. मैं सब समझ सकती थी कि दिव्यम के लिए चयन करना क्यों मुश्किल था. दे वेयर ऑल सो ब्यूटिफुल. वे सब के सब बहुत खूबसूरत थे. दिव्यम हैड वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग प्रोजेक्ट. ये सूचना एकत्र करने के इस कार्य में दिव्यम ने सचमुच बहुत कड़ी मेहनत की थी. ही डिजर्व्ड एन एक्वेरियम. उसे सचमुच एक मछली घर मिलना चाहिए था. बट आई वॉन्टेड हिम टू वैल्यू दिस गिफ्ट. लेकिन मैं ये चाहती थी कि वो इसकी कद्र करे इसकी इज्जत करे वो समझे कि ये कितना महत्वपूर्ण है. आई वॉन्टेड टू सरप्राइज हिम टू. मैं उसे हैरान भी करना चाहती थी. आई आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा सो विच टू फिश शुड वी बाय. तो बताओ इनमें से कौन सी दो मछलियाँ हमें खरीदनी चाहिए. ही वॉज स्लाइटली टेकन अबैक. वो थोड़ा सा हैरान रह गया. ही हैड थॉट आई वुड डिसाइड इट फॉर हिम. उसने सोचा था मैं उसके लिए ये तय करूँगी. ही सेड ऑनेस्टली आई लाइक्ड ऑल फोर एंड आई एम नॉट एबल टू डिसाइड. उसने कहा ईमानदारी से कहूँ तो माँ मुझे ये चारों पसंद हैं और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा. फ्लेम एंजल. अब उसने मछलियों की तस्वीरों के बारे में कुछ बताना शुरू किया. दे लुक डिफरेंट बट नॉट टू ब्यूटिफुल आई सेड. मैंने कहा ये अलग तो दिखते हैं लेकिन बहुत सुंदर नहीं हैं. बट मॉम यू मस्ट बी जोकिंग. उसने कहा क्या कहती हो माँ तुम जरूर मजाक कर रही हो. इट हैज़ रियल वाइब्रेंट कलर्स. इसके अंदर कितने चटकदार रंग हैं. बिसाइड्स दे आर इजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू. और इन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि वो आसानी से मिल सकते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं. आई मस्ट एडमिट ही हैड परफेक्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एवरीथिंग. मुझे ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि उसके पास हर बात के लिए सटीक उत्तर मौजूद था. रीगल चैंग. नाउ हेयर इज अ स्ट्रेंज लुकिंग फिश. अब ये देखो ये कितना अजीब सा दिखने वाला मछली है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोरी फिश. इसे डोरी फिश भी कहते हैं. वॉट अ स्ट्रेंज नेम. क्या ही अजीब सा नाम है. हु वुड बाय इट. कौन इसे खरीदेगा. इट लुक्स सो फनी. ये देखने में कितना अजीब सा है कितना मजाकिया जैसा लग रहा है. एंड लुक एट इट्स टेल. इट लुक्स सो शार्प. और इसकी पूंछ तो देखो कितनी बड़ी है. लुक हेयर इट सेज दैट इट हैज अ स्मॉल रिट्रैक्टेबल ब्लेड टूवर्ड्स इट्स टेल पिट. और यहाँ देखो यहाँ लिखा है ये कहता है कि इसके एक छोटी सी अलग हटने वाली ब्लेड जैसी पंख भी है जो इसके पूंछ के पास लगी है. बिफोर दिव्यम कुड से एनीथिंग. इससे पहले कि दिव्यम कुछ कहता मैंने कहना जारी रखा. यस यस आई नो इट इज़ फॉर डिफेंस बट स्टिल व्हाट इफ यू आर हर्ट. हाँ मैं समझती हूँ तुम कहोगे कि ये तो उसकी रक्षा के लिए है लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग जाए. बट मॉम दिव्यम वॉज क्लियरली हर्ट. लेकिन माँ दिव्यम सचमुच दुखी हो गया था. ओके ओके वी विल सी. अच्छा अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में बात करेंगे. नाउ कोई. दे आर जनरली ऑरेंज और वाइट इन कलर. ये सामान्य तौर पे नारंगी या सफ़ेद रंग के होते हैं. हाउएवर देर आर मोर देन अबाउट 100 कलर वेरिएशंस ऑफ कोई. यद्यपि कोई के 100 से भी ज़्यादा अलग अलग रंग मिलते हैं. दे कम इन मेनी कलर्स. ये कई रंगों में आते हैं इंक्लूडिंग ऑरेंज नारंगी रेड लाल वाइट सफ़ेद गोल्ड एंड ब्लैक सुनहरे और काले. सर्टेन पैटर्न्स आर साउट आफ्टर बाय कीन कोई कलेक्टर्स. जो कोई को इकट्ठा करने वाले होते हैं वो खास प्रकार की इनके शरीर पर बनी धारियों या यूं कहें कुछ खास आकृतियों के माध्यम से वो इन्हें इकट्ठा करते हैं. हु आर रेडी टू पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फॉर अ सिंगल फिश. और ये संग्राहक ऐसी एक एक मछली के लिए हजारों रुपए देने को तैयार होते हैं. सेड दिव्यम. दिव्यम ने कहा. ही कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट कोई फिश. वो कोई फिश के बारे में लगातार बात करता ही चला गया. इट डिड सीम फाइन टू बोथ ऑफ अस.
ये हम दोनों को ही अच्छा लग रहा था। मंदारिन, दिस लुक्स अगली एंड इट से हेयर दैट इट इज़ अ लेसर नोन स्पीसीज। ये तो देखने में ही बड़ा बदसूरत सा है और कहते हैं कि ये बहुत कम जानकारी वाला प्रजाति है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू फीड देम, इन्हें तो खिलाना भी मुश्किल है। वेयर वेल वी गेट द स्मॉल माइक्रो इनवर्टेब्रेट्स विथ लाइव विद इन लाइव रॉक इन कोरल रीफ, दिस इज़ द ओनली फूड दैट दे ईट। हम कहाँ से लाएंगे वो छोटे छोटे अति सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो कि मूंगे की चट्टानों में पाई जाती हैं और कहते हैं कि ये केवल वही खाता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दिव्यम सेठ, दिव्यम ने कहा, बट मॉम दे आर मोस्ट कलरफुल एंड वाइब्रेंट स्पीसीज एंड दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन 1000 फॉर अ स्पेसिमेन। लेकिन माँ, ये सबसे रंगीन और सबसे ज़्यादा चटकदार प्रजाति है और इनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं। एंड एज फॉर द देम एंड वाइब्रेंट स्पीसीज दे डू नॉट कॉस्ट मोर देन एंड एज फॉर द लाइव कोरल रॉक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू आवर बायोलॉजी लैब असिस्टेंट इन आवर स्कूल, ही सेड दैट ही विल गिव मी द एड्रेस ऑफ द शॉप वेयर द स्कूल गेट्स इट फ्रॉम। और जहाँ तक सवाल है जीवित मूंगे की चट्टानों की, पत्थरों की, तो मैंने अपने जीव विज्ञान के जो प्रयोगशाला सहायक हैं उनसे बात कर ली है और उन्होंने मुझे एड्रेस दिया है उस दुकान का जहाँ से ये मूंगे के पत्थर हमारे स्कूल की लैब को दिए जाते हैं। आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड देर वॉज नथिंग मोर दैट आई कुड से। इस जानकारी से मैं प्रभावित थी और मेरे पास अब इससे ज़्यादा कहने को और कुछ भी नहीं बच सकता था। ओके, लेट अस डू वन थिंग, चलो एक काम करते हैं, वी विल गो टू द फिश शॉप टुमारो एंड सी, आई प्रॉमिस। तो कल हम मछली की दुकान चलेंगे और वहाँ चलकर देखेंगे, मैं तुम्हें वादा करती हूँ एक्वेरियम जरूर मिलेगा। इन माय हार्ट आई हैड डिसाइडेड टू बाय हिम ऑल फूड। अपने हृदय की बात अगर करूँ तो मैंने तय कर लिया था मैं ये चारों मछलियाँ खरीदूँगी। आफ्टर ऑल ही डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड फॉर हिज हार्ड वर्क, क्योंकि अपने इस कठिन परिश्रम के लिए उसे पारितोषिक मिलना चाहिए था।